जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव जो इंडिया में कितनी देर से फैल रही है, ठीक है। तो ऐसी हालत में हम डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि पेशेंट को किस तरीके से सही ट्रीटमेंट दे पाए। हेल्थ सिस्टम प्रॉपरली काफ़ी हद तक कोलैप्स हो चुकी है। वहाँ पे पेशेंट को अगर बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को मिलता है तो वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ हम डॉक्टर्स को और पेशेंट को फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसी हालत में माइल्ड एंड मॉडरेट पॉजिटिव केसेस भी अगर हमारे हॉस्पिटल तक आते हैं तो वहाँ पे सीरियस लेवल के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को सही ट्रीटमेंट देना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसलिए हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट लेवल के जो केसेस है वो होम क्वारंटाइन बेस पे ही या फिर अपने घर पे ही उसके सही ट्रीटमेंट हो जाए। और ट्रीटमेंट लेते समय अगर कोई भी सिम्टम अगर पड़ जाता है तो नज़दीकी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके हम उसे ठीक हो सकते हैं। सो दैट हेल्थ सिस्टम को प्रेशर कम आएगा और जो सही पेशेंट है, जो नीडफुल पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट सही तरीके से मिलेगी। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला दोस्तों, जो हमने काफ़ी सारे पेशेंट के ऊपर ट्राई करी है माइल्ड और मॉडरेट केसेस के ऊपर और उसका बहुत ही यूनिक रिजल्ट है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट। और वो किस तरीके से काम करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वप्निल और इस चैनल पे हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद किस तरीके से कोरोना के ऊपर या फिर कोविड के सिम्टम्स के ऊपर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट कोरोना रिलेटेड या फिर आयुर्वेद रिलेटेड जो भी मेरे वीडियोज है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में कहीं इफेक्ट करता है तो वो अपने लंग्स है, क्योंकि वहाँ पे वो जो वायरस है वहाँ पे निमोनिया, लंग्स के अंदर निमोनिया डेवलप करता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप करता है जिसके कारण ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कम हो जाता है। ऐसी चीज़ें अगर हम आयुर्वेद में कर पाते हैं जो ये एल्वियोलर लेवल तक, लंग्स के एल्वियोलर लेवल तक, इतने फाइन लेवल तक अगर कोई चीज़ें वहाँ पे आप पर एज ए मेडिसिन अगर हम पहुँचा पाते तो इससे बेहतर इलाज क्या हो सकता है भला। और इसी चीज़ के लिए आयुर्वेद के पास एक बहुत ही अच्छा इलाज है जिसका नाम है धूम्रपान, ठीक है, मतलब मेडिकेटेड स्मोकिंग। ये एक बहुत यूनिक तरीका है दोस्तों जिसमें जो मेडिसिन है ये धूम फॉर्मेट में, स्मोक फॉर्मेट में अपने लंग्स तक पहुँचती है। इससे अच्छी मेडिसिन अपने लंग्स के लिए कोई नहीं है दोस्तों जो धूम फॉर्मेट में या फिर स्मोक फॉर्मेट में अपने लंग्स तक पहुँचती है और वो अपने लंग्स का कैपेसिटी जो है या फिर लंग्स के अंदर जो निमोनिया हुआ है या फिर फाइब्रोसिस हुआ है उसको काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करती है। हालांकि इसके साथ में कुछ और भी मेडिसिन लेना ज़रूरी है लेकिन ये मेडिकेटेड स्मोक जो है ये काफ़ी हद तक अपने लंग्स में इन्फेक्शन दूर करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। अभी हम देखते हैं कि ये धूमवर्ती कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से हेल्पफुल है। तो धूमवर्ती यानी मेडिकेटेड स्मोकिंग स्टिक बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक रोल बैंडेज, इसको हम ये रोल बैंडेज कोई भी मेडिकल शॉप में 10 रुपीज़ का मिल जाता है ये। फिर ये नेजल म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मिलना बट इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये नेजल म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है, ये ज़रूरी चीज़ है। कोई भी कंपनी का एक कफ सिरप और ये है इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें सब आयुर्वेदिक हर्ब्स है जैसे कि पिपली, कंटकारी, फिर अष्टमधु, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके फाइन पाउडर जो है वो इसमें है, ये पाउडर जो है ये कफ कम करने के लिए सबसे हेल्पफुल रहती है और यही पाउडर की स्मोक जो है वो अपने लंग्स में, एल्वियोलाय में काफ़ी फाइन लेवल तक पहुंचती है। सो ये चार चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद में आगे का प्रोसेस मैं चालू करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो पाउडर है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और इसकी एक पेस्ट सी बना लेनी है। अभी हमारी पेस्ट बन गई है, अब इस पेस्ट में हमने जो कफ सिरप लाया था वो उसमें हल्का सा डाल देना है। ये जो कफ सिरप है ये एक तरीके से बाइंडिंग एजेंट जैसा काम करेगा और इसकी भी पेस्ट, इसको मिक्स करके पेस्ट उसकी बना लेना है। फिर जो रोल बैंडेज था उसको स्प्रेड करके एक अप्रोक्सीमेटली 1 फीट का रोल बैंडेज लेना है और उसके ऊपर हमने जो पेस्ट बनाई थी वो वहां पे स्प्रेड करनी है। स्लाइस पे जिस तरीके हम ब्रेड स्प्रेड लगाते हैं बस उसी तरीके से उसको स्प्रेड करना है। बस ध्यान देना है कि इवनली स्प्रेड होना चाहिए और एकदम थिक भी नहीं, स्पेसिफिकली ये जो कोने हैं ये कोनों में अच्छे से स्प्रेड होना जरूरी है। अब हमें चाहिए एक पेंसिल या फिर पेन जिसको हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है यहाँ पे इसके बॉर्डर्स पे, क्योंकि ये जो बैंडेज है ये इसके ऊपर रोल होने वाला है, इसलिए इसको ऑयल लगाने के बाद में इस तरीके से इसको रोल करना है। तो
तो ये जो है ये धूम बत्ती हमने बना दी है। अब इसे हमें 24 घंटे के लिए कम से कम धूप में इसे सूखने देना है, ठीक है। और फिर जब ये सूख जाएगा तब ये इसके अंदर की जो पेंसिल है ये हमको इस तरह खींच लेनी है, और फिर ये जो बन जाएगी धूम बत्ती, इसका यूज़ कैसे करना है ये जब ये ड्राई हो जाएगी तब उसके बारे में आपको मैं 24 आवर्स के बाद बताऊँगा। दोस्तों इस तरीके से हमने धूम बत्ती को बना लिया है, जिसका एक एंड को हमने जला दिया है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा एंड जो है वो हमने यहाँ पे होल है यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि जो नेजल म्यूकस एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था उसमें 15 ml इसमें पानी भर देंगे। और इसके दो ट्यूब जो है इसमें से देखिए, इसमें ये एक ट्यूब है और एक बड़ा ट्यूब है ये वाला, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये वो धूम बत्ती के अंदर जाएगा, और ये जो ट्यूब है इसे हमको नाक से इनहेल करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। ये चीज आपके लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि ये जो धूम बत्ती इसमें जो पिपली जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो अपने लंग्स के फाइब्रोसिस को दूर कर सकते हैं, वहां पे कफ का विलयन कर सकते हैं, वहां पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, वो सब एकदम फाइन लेवल पे ये जो धूम है ये काम करती है, ठीक है। सो इसको अगर लंग्स के फाइनेस्ट लेवल तक एल्वियोलर लेवल तक अगर पहुंचाना है तो यही एक इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये एंड जो है ये हमारी वर्ती के अंदर रहेगा, और ये एंड जो है ये इसको कॉटन लगा के ये हमारे नाक में डालना है और इसको इनहेल करना है। इस तरीके से, और मुंह से एक्सहेल करना है फिर से एक बार। इस तरीके से यहां से लेफ्ट नोज से 3 बार और राइट नोज से 3 बार, और फिर जो इसका दूसरा एंड जो है इसे क्लीन करके हम अपने मुंह से भी इसको इनहेल करना है। इस तरीके से 3 बार। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ये जो धूम बत्ती के अंदर की जो गर्म धूम जो है ये इस नेजल म्यूकस एक्सट्रैक्टर में पानी के थ्रू ये ठंडी होके अपने लंग्स में जाएगी, लंग्स के अंदर के ब्रोंकस के थ्रू अपने एल्वियोलर लेवल तक जाएगी, और वहां पे जो फाइब्रोसिस हुआ है या फिर जो निमोनिया वहां पे जो हुआ है उसको दूर करने में काफी हद तक हेल्पफुल साबित रहेगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही एक तरीका है, इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन जो भी आप ले रहे हो या फिर जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है वो आप साथ में ले सकते हो, लेकिन साथ में इसका भी अगर यूज करते हो तो माइल्ड और मॉडरेट लेवल के जो केसेस हैं वो काफी हद तक इसके रिकवर हुए। मैंने काफी सारे लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट और ये सब बर्ती दिया है, उन्होंने किया और काफी अच्छे उसके रिजल्ट पेशेंट के ऊपर देखने भी मिले हैं। सो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि इस तरीके से आप अगर इसका यूज करते तो काफी इसका बेनिफिट रहता है। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ से आप मंगाना चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल करके हम आपके घर पे इसको तो इसकी हम फ्री होम डिलीवरी आपके यहाँ पे हम पहुँचा दें। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोविड के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर आपके मन में जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, उन सभी कमेंट्स का मैं आंसर वहाँ पे करूंगा।